लर्न पांडम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे विचित्र साक्षी, इसका अंतिम पार्ट। तो देखिए विद्यार्थियों, विचित्र है साक्षी, अद्भुत गवाह, अद्भुत गवाह। तो न्यायाधीशेन पुनस्तव घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश के द्वारा पुनः तब उन दोनों को घटनाया घटना के विषय विषय में वक्तुम कहने का आदिष्टौ आदेश दिया गया। तो न्यायाधीशेन, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है न्यायाधीश के द्वारा, और पुनः विसर्ग और तव, पुनः का मतलब फिर तव, उन दोनों को न्यायाधीश के द्वारा पुनः उन दोनों को घटनाया विषय घटना के विषय में वक्तुम कहने का आदिष्टो आदेश दिया। अब विद्यार्थियों जो है वक्तुम, इसमें तुमन प्रत्यय है, और नेक्स्ट है आदिष्टो, आदिष्टो ये द्विवचन है, और इसका विग्रह करेंगे आदिष्टो का तो आ उपसर्ग दिस धातु और कत प्रत्यय पुल्लिंग द्विवचन, पुल्लिंग द्विवचन। तो ये वाच्य है विद्यार्थियों कर्मवाच्य। तो देखिए न्यायाधीश के द्वारा फिर पुनः मीन्स फिर तब उन दोनों को, न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को घटनाया विषय, षष्ठी विभक्ति एक वचन है घटनाया घटना के विषय विषय में वक्तुम कहने का आदिष्टौ आदेश दिया। तो यहां पर जो आदिष्टौ है ये द्विवचन है, और क्या है क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या होगा तव, कर्तृपद क्या होगा तव, और इस पंक्ति में पुनः है ये अव्यय है विद्यार्थियों, जो पुनः है ये है अव्यय है, और तुमन प्रत्यय है, वक्तुम वच धातु है और तुमन प्रत्यय है, विषय इसमें अधिकरण कारक है एक वचन विषय में। तो न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को घटना के विषय में कहने का आदेश दिया गया। ये इस पंक्ति का क्या हुआ हिंदी में अर्थ हुआ। अब विद्यार्थियों इसी पंक्ति का हिंदी में अर्थ किया गया, इसका हम इसके आधार पर प्रश्न रखते हैं। तो क्या प्रश्न रखें कि न्यायाधीशेन पुनः है फिर तव उन दोनों को कस्या विषय वक्तुम आदिष्टो, किसके विषय में कहने का आदेश दिए, किसके विषय में कहने का आदेश दिया, ऐसा प्रश्न हम बनाते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न बना क्या, न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा पुनस्तव फिर उन दोनों को कस्या विषय किसके विषय में वक्तुम आदिष्टौ, किसके विषय में कहने का आदेश दिया, न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को किसके विषय में कहने का आदेश दिया। तो यहां पर हमें कस्या के स्थान पर आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। कस्या में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, उत्तर देखिए विद्यार्थियों घटनाया, ये भी षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो उत्तर क्या हुआ एक पद में उत्तर देंगे तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों घटनाया, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हुआ घटनाया। क्या कि न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को घटना के विषय में कहने का आदेश दिया, ये प्रश्न हुआ। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, आरक्षिणी सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकारण कारक, निज पक्षम प्रस्तुतवती आरक्षिणी, रखवाले के अपने पक्ष को
प्रस्तुत करने पर रखवाले की अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम घटक आश्चर्य जनक घटना घटित हुई आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। फिर देखिए रखवाले के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर आश्चर्यम घटित आश्चर्य घटित हुआ आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? वह सब प्रावारकम अपसारी प्रावारकम का मतलब होता है उत्तरीय वस्त्र जो ऊपर वस्त्र ओढ़ा गया है उसको बोलते हैं उत्तरीय वस्त्र ऊपर ढके हुए वस्त्र। तो वह सब ढके हुए वस्त्र को अपसारी हटा करके न्यायाधीशम न्यायाधीश को अभिवाद्य निवेदन करके अभिवाद्य अभिवादन करके निवेदितवान निवेदन किया। उस सब ने अपने ऊपर जो वस्त्र रखा गया था उस सब को जो वस्त्र से ढका गया था वह सब ही उस वस्त्र को हटा करके कहने का मतलब सब के रूप में उस सया पर कौन था? जीवित इंसान था। तो क्या वह सब प्रावारकम का मतलब ओढ़े हुए वस्त्र को अपसार्य हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदितवान निवेदन किया उस सब ने। तो प्रश्न बन सकता है विद्यार्थियों कि से स्वय प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदितवान क्या निवेदन किया। और एक प्रश्न से स्वय उस सब ने किम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान क्या हटा करके। तो प्रश्न नेक्स्ट नंबर 2 से स्वय किम अपसार्य से स्वय किम अपसार्य न्यायाधीशम विवाद्य निवेदितवान। ये प्रश्न बना उस सब ने क्या हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया क्या हटाया उसने। तो किम के स्थान पर उत्तर क्या लिखेंगे? प्रावारकम। क्या उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों? प्रावारकम उत्तर होगा प्रावारकम। ये पूर्ण विराम लगा देंगे एक पद में उत्तर हमें देना है। तो हमारा उत्तर हो गया सेस्वय प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवादे निवेदितवान। ठीक है। अब जो यहां पर अपसार्य है इसका विग्रह करेंगे अपसारी। तो यहां पर आप उपसर्ग है श्री धातु और लप प्रत्यय। अपसार्य मीन्स हटा करके। अभिवादे अभिधन वधन लप प्रत्यय अभिवादन करके निवेदितवान में नी उपसर्ग वे धातु है और कत्वतु प्रत्यय है पुलिंग एक वचन और इसका कर्ता क्या होगा? से स्वय ये कर्ता होगा। ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ हम समझ गए हैं कि उस सब ने अपने ओढ़े गए वस्त्र को हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया। क्या निवेदन किया वो हम आगे देखते हैं। मान्यवर एतेन आरक्षिणा इस रखवाले के द्वारा ध्वनि का मतलब होता है मार्ग में रास्ते में इस रखवाले के द्वारा रास्ते में यद उत्तम जो कहा
तद वह वर्णयामी वर्णन करता, वह वर्णन करता हूं। क्या निवेदन किया? इस रखवाले के द्वारा आरक्षिणा तृतीया विभक्ति एकवचन करण कारक, करण कारक से के द्वारा, तो आरक्षी के द्वारा अर्थात रखवाले के द्वारा, इस रखवाले के द्वारा मार्ग में, रास्ते में, ध्वनि का मतलब मार्ग में, सप्तमी विभक्ति एकवचन मार्ग में, यत उत्तम, इसका संधि विच्छेद होगा यत धन उत्तम, ये संधि विच्छेद होगा, जो कहा गया, यत मीन्स जो और उत्तम मीन्स कहा गया, कहा गया, ये उत्तर हो गया, जो कहा गया, उत्तम मीन्स कहा गया, तत् वह वर्णयामी, वर्णयामी का मतलब वर्णन करता हूं, वर्णयामी वर्णन करता हूं, यहां पर वर्णयामी है, ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसका करता होगा अहम, क्या करता होगा इसका, अहम करता होगा, तो देखिए अहम एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत उत्तम तद वर्णयामी, मैं इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह वर्णन करता हूं, जो वर्णयामी है, ये उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता क्या होगा, अहम होगा विद्यार्थियों, ठीक है, तो यहां तक हम बात समझ गए हैं, अब आगे देखिए क्या वर्णन करता है, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गर्णात वारित, तुम्हारे द्वारा या तुमने मुझको चोरी किए गए मंजूषा को गृहनाथ ग्रहण करने से वारित रोका था, क्या कह रहा है कौन रखवाला, कि तुमने मुझे चोरी किए गए मंजूष को ग्रहण करने से वारित रोका था, अतः है इसलिए निज कृत्य से फलम भुक्ष, अपने किए गए फल को भुंस का मतलब भोगो, भुंस का मतलब भोगो, यहां पर भुंस है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, भुंस पूछ लिया जाए कि भुंस ये क्रिया है, इसका कर्ता क्या होगा, तो विद्यार्थियों मध्यम पुरुष एक वचन की यदि क्रिया है तो इसका कर्ता क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन ही कर्ता होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए आते हैं इसलिए निज कृत्य से अपने किए हुए का फल भुंस का मतलब भोगो ये कहा गया। फिर दोबारा देखिए, वह सब वस्त्र को हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन करने लगा कि मान्यवर, इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह वर्णन करता हूं, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए गए मंजूष को ग्रहण करने से रोका गया, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो, चोरिया अभियोगे, चोरी के अभियोग में तुम वस्त्रिय से कारादंडम लप्स्यसे, 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे, वस्त्रिय से 3 वर्ष का कारादंडम कारावास, जेल में जाओगे, लप्स्यसे प्राप्त करोगे, लप्स्यसे मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है और भविष्य काल है लिट लगा, और लक्ष्य से मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है तो इसका कर्ता क्या हो गया विद्यार्थियों, इसका कर्ता हुआ तुम, कर्ता हुआ तुम और लक्ष्य से क्या हुई, क्रिया हुई, तो ये हमें ध्यान रखना है, कर्ता क्रिया और विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो संधि होती है संधि का संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, संधि युक्त पद भी पूछ लिया जाता है, तो इनके विषय में हमें ध्यान रखना है, विभक्तियों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आइए देखें नेक्स्ट, न्यायाधीश आरक्षी ने कारा दंडम आदिश्य तम जनम से सम्मानम मुक्तवा, न्यायाधीश ने आरक्षी ने, आरक्षी ने उस आरक्षी को, उस पहरेदार को, उस रखवाले को कारादंडम कारावास का के दंड का आदेश, आदेश देकर के तम जन्म
उस मनुष्य को सम्मान मुक्तवान सम्मान के साथ छोड़ दिया गया, मुक्तवान छोड़ दिया गया। अब अतएव उच्चते, इसीलिए कहा गया है। तो देखिए विद्यार्थी, यहां पर भी संधि है, क्या है? देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो अतः है धन एव, धन उच्चते, उच्चते। यहां पर गुण संधि है और यहां पर विसर्ग लोप संधि है, विसर्ग लोप संधि है, अतः धन एव। क्योंकि विसर्ग से पहले ए होता है और विसर्ग के बाद में यदि ऐसे भिन्न स्वर होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए अतः धन एव विसर्ग लोप संधि, एव धन उच्चते, ए और ओ मिलकर के ओ बन जाता है, तो ये हुई गुण संधि, इसीलिए ही उच्चते कहा गया है। उच्चते का यदि पर्यायवाची हम शब्द देखते हैं तो कथ्यते कहा गया, कथ्यते कहा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशाली ने नीति युक्तम समावलंबे लीलेव प्रकुर्वती। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, दुष्कराणि धन अपि, इसमें यण संधि है, यण संधि, दुष्कराणि धन अपि यण संधि, और लीलेव इसमें है विद्यार्थियों वृद्धि संधि, लीलया धन एव वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तो अब देखिए मति वैभवशाली ने, मति मीन्स बुद्धि, वैभव का मतलब संपन्न, बुद्धि से संपन्न लोग, मति वैभवशाली ने, बुद्धि में चतुर लोग, बुद्धि में अग्रसर लोग, जिनकी बुद्धि प्रखर है, प्रवीण है, जो कुशल हैं, कोई भी अर्थ आप ले सकते हैं। तो बुद्धि से संपन्न लोग, दुष्कराणि अपि कर्माणि, कठिन कर्म भी, कठिन कर्म भी नीति युक्तिम समावलंब, नीति और युक्ति का आश्रय लेकर के, समावलंबे आश्रय लेकर के, लीलया एव आसानी से ही प्रकुर्वते कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। कौन से इंसान? जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि में संपन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि प्रखर होती है, जो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, जो प्रवीण बुद्धि वाले होते हैं, जो कुशल बुद्धि से युक्त होते हैं, कहने का मतलब मति वैभवशाली ने हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले लोग, कठिन कर्म भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के आसानी से प्रकुर्वते कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहां पर हम देखते हैं तो समालंभे इसमें क्या है, लप प्रत्यय है, लप प्रत्यय है। अब हम ने प्रश्न यहां तक किए, अब इससे आगे प्रश्न हम करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन और कर लेते हैं, न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को घटना के विषय में कहने का आदेश दिया, रखवाले के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, वह सब वस्त्र को हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन करने लगा, मान्यवर इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह वर्णन करता हूं, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए गए मंजूसे को, मंजूस को ग्रहण करने से रोका गया, इसलिए अपने किए हुए का फल भोगो, चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। इस प्रकार न्यायाधीश ने रखवाले को कारावास के दंड का आदेश देकर के उस मनुष्य को सम्मान के साथ मुक्त किया, इसलिए कहा गया है कि बुद्धि संपन्न लोग, कठिन कर्म भी नीति युक्ति का सहारा लेकर के आसानी से कर लेते हैं।
आसानी से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है विद्यार्थियों कि से स्वप्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्ये किम् निवेदितवान्। न्यायाधीशम् अभिवाद्ये किम् निवेदितवान्। उस सब ने वस्त्र को हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके यहां पर किम् निवेदितवान्, क्या निवेदन किया, ये प्रश्न बन गया। किम् निवेदितवान्, क्या निवेदन किया, किसने, उस सवन ने जो विद्यार्थियों निवेदन किया वह उत्तर यह है कि मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि, कि मान्यवर इस रखवाले के द्वारा मार्ग में जो कहा गया वह वर्णन करता हूं। त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया गृणात् वारित है, अतः निज कर्तव्य फलम भुक्ष्व चोरियाभियोगे त्वं वस्त्रस्य कारादण्डं लप्स्यसि, ये निवेदन की। तो ये इतना उत्तर हमें लिखना है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। नेक्स्ट प्रश्न लिखता हूं, न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने किसको कारावास के दंड का आदेश दिया, किसको दिया, तो विद्यार्थी उत्तर हमारा क्या होगा, आरक्षिणे, आरक्षिणे उस रखवाले को दिया गया। आरक्षिणे में चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, चतुर्थी विभक्ति एकवचन में उत्तर पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसको आरक्षी को, रखवाले को कारावास का दंड दिया गया और मुक्त किसको किया गया, अभियुक्त को, अभियुक्त को मुक्त किया गया जो निर्धन मनुष्य था। नेक्स्ट, मति वैभवशाली ने कानी कर्माणि लीदियेव प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मति वैभवशाली ने कीदृशानि कर्माणि लीलियेव प्रकुर्वति, ये प्रश्न है। मति वैभवशाली ने कीदृशानि कर्माणि लीलियेव प्रकुर्वति, हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा विद्यार्थियों मति वैभवशाली ने दुष्कराणि अपि कर्माणि लीलये प्रकुर्वते। मति वैभवशाली लोग कठिन भी कर्म आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसी में से एक और बन रहा है विद्यार्थियों, क्या बन रहा है, अब ये तो लिखा गया आपके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मति वैभवशाली ने है, अब यहां पर लिख देता हूं दुष्कराण्यपि कर्माणि कथम प्रकुर्वते, ये प्रश्न बन गया। नेक्स्ट और, मति वैभवशाली ने दुष्कराण्यपि कर्माणि कथम प्रकुर्वते, मति वैभवशाली लोग कठिन कर्म भी कैसे कर लेते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए विद्यार्थी उत्तर क्वेश्चन नंबर 5, मति वैभव
शाली ने, मती वैभव शाली ने दुष्कराण्य अपि कर्माणि नीति युक्तम समालंबे लीलिये प्रकृवते। ये लिख देंगे नीतिम युक्तम समालंभे लीलिये प्रकृवते। ये उत्तर हो गया कि कुशाग्र बुद्धि वाले लोग कठिन भी कर्म नीति और युक्ति का सारा लेकर के आसानी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जो कर्तृपद है, क्रियापद है, विशेषण पद है, विशिष्य पद है, उनके बारे में अभी जानते हैं, जिससे हम कोई भी प्रश्न पूछा जाए इस पैराग्राफ से तो हम उसका उत्तर दे सकें। तो देखिए सबसे पहला न्यायाधीशेन पुनेतौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, इस पंक्ति के विषय में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया गया है कि आदिष्टौ इसका कर्ता क्या होगा, तौ, और तौ की क्रियापद क्या होगा, आदिष्टौ। आरक्षिणी सप्तमी विभक्ति एकवचन अधिकरण कारक, और निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुतवती इसमें भी अधिकरण कारक है। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। स्वः प्रवारकम अपसारी न्यायाधीशम अभिवादे निवेदितवान या निवेदितवान है, ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या होगा, स्वः। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत उत्तम तद वर्णियामि, वर्णियामि है यहाँ पर उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, इसका कर्ता क्या होगा, अहम, ठीक है। अध्वनि इसका पर्यायवाची शब्द होगा मार्गे, मार्गे। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृणात वारित है, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए गए मंजूष को ग्रहण करने से रोका गया, इसलिए अपनी क्यूए का फल भुंसु, भुंसु यहाँ पर मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है तो इसका कर्ता क्या होगा, त्वम। चोरियां अभी होगी, चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे, तो यहां पर त्वम कर्तृपद है और लक्ष्य से ये क्रियापद है। इति न्यायाधीशे आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, यहां पर आदिश्य है विद्यार्थियों, इसमें आदिश्य औपसर्ग है, दिस धातु है और लप प्रत्यय, आदिश्य मीन्स आदेश दे करके। तम जन्म सम्मानम मुक्तवान, उस मनुष्य को सम्मान के साथ मुक्त किया, मुक्तवान, किसने मुक्त किया, न्यायाधीश ने मुक्त किया। तो यहां पर न्यायाधीश है ये कर्तृपद हो गया और मुक्तवान ये क्रिया पद हो गया विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।